अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें मैं आपको जो पाकिस्तानी यूपीएस है उसकी सेटिंग्स करनी बताऊंगा। अंदर से उसकी जो सर्किट्स की सेटिंग है उसको सेट करने का तरीका बताऊंगा। उससे ये होगा कि दोस्तों एक तो आपका यूपीएस बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, दूसरा ये है कि उसकी बैटरी की लाइफ टाइम जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि जब इसकी अंदर से सेटिंग्स ख़राब होती हैं तो तभी आपका यूपीएस जो है बैटरी को डेड करता है, या तो ओवर चार्ज करता है या अंडर चार्ज करता है। तो इस सेटिंग से आपकी बैटरी की ओवर चार्ज और अंडर चार्ज को बचाया जा सकता है। तो दोस्तों ये येलो कलर की इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं येलो कलर की वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस ही आपके यूपीएस की सेटिंग्स को कंट्रोल करती हैं, इसको कम या ज़्यादा करती हैं। तो ये तीन वेरिएबल इकट्ठी लगी हुई हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ है बैटरी लो, एक के ऊपर लिखा है बैटरी लो, दूसरी जो सेंटर में उसके ऊपर लिखा है बैटरी फुल, और उसके साथ जो उसके उसके ऊपर लिखा है एम्पेयर सेटिंग, और उसके नीचे उसके ऊपर ही आईसी है। आईसी के ऊपर जो दो रेजिस्टेंस लगी हैं, जिसमें से जो राइट वाली है वो ओवरलोड की है और लेफ्ट वाली जो है वोल्ट फिक्स की है। और उसके अलावा ये एक साइड पे अकेली रेजिस्टेंस लगी हुई है येलो कलर की। ये है बेसिकली मेन लो की। तो पहले मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि इनका काम क्या है। तो दोस्तों बैटरी लो जो है ये रेजिस्टेंस आपकी बैटरी जब लो हो रही होती है, बैकअप दे रही होती है, जब आपकी लाइट बंद होती है तो ये इसको कंट्रोल करती है, ये बैटरी को रिजर्व रखती है। तो ये बैटरी लो की वेरिएबल जो है 10.5 वोल्ट की जब आपकी बैटरी रह जाए तो इसको इसको ट्रिप करवाना चाहिए, यूपीएस को बंद करवा देना चाहिए। अगर 10.5 से नीचे बैटरी जाएगी, आपकी वोल्ट ड्रेन होंगे तो आपकी बैटरी डेड हो जाएगी, उसकी लाइफ टाइम कम हो जाएगी। तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि दोस्तों जब आपकी लाइट बंद हो तो आपने 7 मीटर लगाने हैं बैटरी के, और उसको चेक करने के वो कितने वोल्ट दे रहा है। तो 10.5 जब चले जाएँ तो इस वेरिएबल को आपने मूव करना है और उसको बैटरी को बंद करवाना है। तो उसके अलावा बैटरी फुल है, बैटरी फुल जो है वो 13.90 से 14.20 के दरमियान दरमियान में आपकी फुल होनी चाहिए। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा होगी तो आपकी बैटरी फिर भी ख़राब हो जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों उसके साथ वाली जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसका काम ये है कि दोस्तों आपकी बैटरी को कितने एम्पेयर पे चार्ज करें। तो उसका फार्मूला ये है कि जितने एम्पेयर की आपकी बैटरी है उसको 10 वोल्ट पे डिवाइड करें, सॉरी जितने एम्पेयर की बैटरी है उसको 10 पे डिवाइड करें, जो आंसर है उस एम्पेयर पे आपने इसको सेट करना है। तो दोस्तों इसके ऊपर है ओवरलोड की। ओवरलोड का काम यह है कि दोस्तों जब आपका यूपीएस वापडा से हट के बैकअप दे रहा हो तो आपने अपने घर की सारी लाइट्स और पंखे वगैरह ऑन कर देने हैं जो यूपीएस में हैं, और आपने इसको ओवरलोड को सेट करना है। जहाँ पे ये यूपीएस बंद हो के ऑन हो जाए तो इसका मतलब है कि ये आपका मैक्सिमम लोड है। इससे ज़्यादा अगर आप इसके ऊपर लोड डालेंगे तो यूपीएस ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। और यहाँ पे ये मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जितने वाट का आपका यूपीएस है उससे हाफ लोड रखें आप इसके ऊपर, ताकि इसके ऊपर जितना कम लोड होगा उतना इसके ख़राब होने के चांसेस कम होंगे। और उसके बाद आप देखें फिक्स वोल्ट की ऑप्शन है। तो ये फिक्स वोल्ट जो है जब आपका यूपीएस वापडा से हट के बैकअप दे रहा होगा, बैटरी मोड पे होगा, तो उसके ऊपर आप इसके वोल्टेज सेट कर सकते हैं। ये 220 से 240 के दरमियान में होना चाहिए, इससे ना कम हो ना इससे ज़्यादा हो। तो इस एंड पे आ जाती है ये वेरिएबल जो कि बिल्कुल अलहदा लगी हुई है। इसका काम ये है कि जब आपका यूपीएस चल रहा हो और उसकी मेन अगर वापडा लो होगी तो ये इसको बंद करवा देगा। तो चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो दोस्तों ये इमेज आपको दिखाने का मतलब ये था कि आपको करीब से एक इमेज इसका मिल जाए और आपको इसकी सेटिंग का पता चल जाए। अब मैं जब इसकी वीडियोज़ की तरफ जाऊँगा तो ये काफ़ी दूर होगा तो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए ये मैंने पहले एक इमेज के ऊपर एक वीडियो बना दी है। तो चलिए अब इसकी प्रैक्टिकली जो है ना इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो मैं यूपीएस को ऑन कर देता हूँ और इसको इसके इसके कैमरे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और
और इसके अलावा नीचे वीडियो के एक सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो है वो प्रैक्टिकली इसको किस तरह से सेट करना है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं आपको इसकी वीडियो बनाकर दिखाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बैटरी लो की सेटिंग बताऊँगा, फिर बैटरी फुल की, फिर पेयर्स की सेटिंग की, उसके बाद मेन लो की, उसके अलावा जितनी भी उसकी सेटिंग है वो स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।